अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 और 10 एक्सरसाइज 2.5 के जो आगे वाले प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे देखें 2 को हमने बिल्कुल बाहर रखा है, 28 को अंडर रूट के अंदर रखा है और 7 को भी अंडर रूट के अंदर रखा है। अब देखें, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में सीखा था कि हम लोग 2 को तो कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, तो 28 और 7 जो है उन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ही डिवाइड के अंदर है, दोनों को एक अंडर रूट में सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 7 की टेबल एक दफ़ा और यहाँ पे 7 की दफ़ा टेबल जो है वो 4 दफ़ा लग जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब 2 रेडिकल के अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा, क्योंकि 28 के नीचे 7 था, 7 की टेबल हमने एक दफ़ा लगाई थी, तो एक लिखने का ज़रूरत नीचे नहीं होती है। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि 2 है और हम लोग 4 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। ये आप लोगों को पता होता है कि जैसे भी किसी भी रेडिकल के अंदर अगर पेयर बना हुआ हो तो हम लोग उससे एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं, जो नंबर बाहर आएगा वो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर रख लेंगे, क्योंकि ये 2 जो था वो इसके साथ मल्टीप्लाई में था। अब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, 2 बाहर हमारे पास रेडिकल के अंदर, 28 और नीचे क्या है, 7 है। तो हमने क्या कर लिया, इसको तो फिलहाल बाहर रखा, 28 को अपान 7 में लेकर आए और हमने रेडिकल एक ही दे दिया, तो यहाँ पर टेबल लगाई तो यहाँ पर 4 रह गया। अब 4 के हमने फैक्टर्स निकाले 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बनता है उसको हम लोग अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये अंडर रूट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखें यहाँ पे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखें क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो है वो हमारे पास है 3 है और अंडर रूट में 5 है और प्लस 8 अंडर रूट में 5 है। अब यहाँ पे देखें, ये पहले हमने मल्टीप्लाई भी पढ़ा है, डिवाइड भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस है। तो इस प्लस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्लस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जैसे अगर आपको कहा जाए कि भाई आपके पास एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन हो गई, दो पेन दूसरी हम लोग कर लेते हैं। तो क्योंकि देखें ये जो चीज़ थी ना, पेन और पेन, पेन तो एक ही चीज़ है, तो इसके मतलब इसकी हम लोग क्वांटिटी सिर्फ जो है वो देखते हैं कि पेन जो है वो कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा पेन यहाँ पर, एक दफ़ा यहाँ पर है, तो ये कितनी हो जाएगी, दो दफ़ा पेन हो जाएगी, तीन दफ़ा, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा वर्ड 3 पेन। अब 3 पेन हो गया, तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो अंडर रूट 5 है, ये अंडर रूट 5 ये कितनी दफ़ा है, ये 8 दफ़ा है, और ये कितनी दफ़ा है, ये है 3 दफ़ा। मतलब दोनों चीज़ों अंडर रूट, दोनों चीज़ें सेम है, अंडर रूट 5 है या भी ये भी अंडर रूट 5 है। तो जब हम लोग ऐसी सिचुएशन में कोई प्लस चीज़ करते हैं तो हम लोग इनके जो आगे वाले नंबर होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे प्लस करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 3 11 हो जाएंगे, 11 अंडर रूट 5 करेंगे, ये हमारा आंसर होता है। एक बार फिर समझें, देखें यहाँ पर अंडर रूट 5 8 दफ़ा है और यहाँ पे अंडर रूट 5 जो है वो 3 दफ़ा है, तो इस दोनों को जब प्लस करेंगे तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और अंडर रूट 5 को हम लोग सेम टू सेम रखेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ अंडर रूट 5, जैसे हम लोगों ने पेन का एग्जांपल दिया था कि भाई एक पेन है और यहाँ पे दो पेन है, तो कितने हो जाएंगे, 3 पेन हो जाएंगे। तो जब भी अंडर रूट 5 में सेम चीज़ हो, अगर यहाँ पे 6 होता और यहाँ पे 5 होता तो हम लोग इन लोगों को प्लस नहीं कर सकते थे। अब देखें आगे हमारे पास क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है 5 अंडर रूट 8 है और माइनस 2 अंडर रूट 8 है। अब देखें 5 अंडर रूट 8 और माइनस जो है वो 2 अंडर रूट 8, तो इसका मतलब 8 तो एक ही चीज़ है ना, ये भी अंडर रूट 8 है, ये भी अंडर रूट 8 है, ये एक ही चीज़ हो गई। तो हमें क्या करना है, 5 में से सिर्फ 2 माइनस करने हैं, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे, तो ये दोनों एक ही चीज़ थी, मतलब किस चीज़ का है हमें नाम कह सकते हैं, तो ये 3 अंडर रूट 8 इसको हम लोग कहेंगे, ये इसका आंसर है। तो
तो आगे ऐसे प्रॉब्लम जो भी होंगे प्लस और माइनस के, आप लोग पहले देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर जो चीज़ दी गई है हमें क्या वो दोनों ही सेम है। अगर दोनों ही सेम है तो बीच में प्लस है तो प्लस कर दें, बाय वाले नंबर को अगर माइनस है तो माइनस कर दें, जो भी होगा आप लोग वही कर देंगे।